छाया जी, कांग्रेस पार्टी ने कल 8 टिकट डिक्लेयर कर दी है, जिसमें से बहन कुमारी शैलजा जी और जेपी इसार से है जी, और दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। और जहां तक मजबूत की बात है तो कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है जी, और मैं कहता हूं कि सेंटर में भी बीजेपी 200 से कम रह जाएगी जी सीटें। देखो जी, बहुत बढ़िया रुझान है, जैसे हम टवाणा हल्का में घूमते हैं जी हर एक जगह जी, तो बीजेपी की तो विरोधी विरोधी है। क्यों विरोधी है जी? इन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने ना इनसे किसान खुश हैं जी, ना इनसे मजदूर वर्ग खुश है, ना व्यापारी वर्ग खुश है, ना कर्मचारी खुश है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनसे खुश है जी? कोई खुश नहीं है इनसे। और 10 साल में इन्होंने किया भी कुछ नहीं जी, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं किया। तो अपने आप नाराजगी है जी इनके से, बीजेपी से मानते हैं ऐसा जी? मैं तो टक्कर मानता ही नहीं जी, क्योंकि अशोक तंवर जी जो थे, मैं तो कह रहा हूँ जी, ये डिफरेंट शुरू में ये कांग्रेस में थे जी, कांग्रेस ने अच्छा मान सम्मान दिया, अध्यक्ष बनाया, एमपी बनाया, उसके बाद छोड़ के ये चले गए जी तृणमूल पार्टी में जी। तृणमूल पार्टी से पता नहीं क्या लिया, उसके बाद आगे जी आप पार्टी में, और इब आप पार्टी से ये आगे जी बीजेपी पार्टी में। और इनके जो पहले रहे हैं ये एमपी, इन्होंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। जो लोग बताते हैं हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं, ये तो बात भी नहीं करता था ना रहता था यहाँ पे। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, इसको पब्लिक नकार चुकी है पहले ही। और जहाँ तक बात है बहन शैलजा की, इनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह जी पहले मंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी है ये, उनका हलका है उकलाणा का, प्रभुवाड़ा की रहने वाली है ये जी। और इन्होंने बहुत अपने लेवल पे बहुत संगठन को मजबूत भी किया है, और पुराने कांग्रेसी भी हैं, और बड़ी सरल स्वभाव की भी है शैलजा बहन जी। और इनको तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से लोग ऑटोमेटिकली जिताना चाहते हैं जी। ऐसा है जी, जो विजिलेंस इंक्वायरी का मैंने आज पेपर में पढ़ा था, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं उन्होंने जितने घपले करे हैं, जैसे एक कुला का था जी, कुला में इसने 15 लाख रुपए दिए थे जी, किसी भी व्यक्ति को दिए थे अपने फंड से, मंत्री के फंड से। उसके घर में परिवार में तीन चार चार लोग नौकरी पे हैं, उनकी कोठी जाके देख लो। तो ये जो सरकारी फंड है, जो पब्लिक का गाड़ी कमाई का पैसा है, इसने ऐसे उड़ा दिया मंत्री बनने के बाद में, तो अब उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल स्टीक बैठती है आज की डेट में। इसने मजदूरों के पैसे नहीं छोड़े, किसी के पैसे नहीं छोड़े इसने। और इसकी आज वाह हालत होगी जी, कि दो घर का रहा ना घाट का रहा। क्यों? क्योंकि पहले ये जेजेपी कांग्रेस में था, फिर ये जेजेपी में आ गया, ई भी सुनने में आया कि बीजेपी में चल जा रहा है। अब इसको इसका हाल वही होगा जो कुलदीप बिश्नोई जी का इशार में हुआ है। ये ना कहीं जा सकता ना कहीं आ सकता। पहले ये बीजेपी की पॉलिसी है, पहले करप्शन में इन्वॉल्व कर लो उसको, उसके बाद अपने उसको फंदा डाल दो उसके गले में, कहीं नहीं जाएगा ये। लोगों से क्या अपील करना चाहते? मैं लोगों से अपील यही करता हूँ जी कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो जी। ये मौका है, 10 साल का राज है, जो 10 साल का इनका राज है वो देख लिया आपने, और कांग्रेस का भी पीछे 10 साल का राज आपने देखा है पब्लिक ने, दोनों का पब्लिक इतनी समझदार है, दोनों का कंपैरिजन करें और उसके बाद अपना वोट दे। और बहन शैलजा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से, टवाणा से, सिरसा हल्का से जिता के भेजें जी।